ಮತ್ತೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ಇವಂದ್ರೆ ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಬೆಕ್ಕ ಹೋಗಿ ನೆಕ್ರು ಸತ್ತ. पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह, कांग्रेस चीफ मल्लिका अर्जुन खड़गे का विवादित बयान, बीजेपी भड़की. नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने गुरुवार 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा, पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है. आप सोच सकते हैं कि यह जहर है या नहीं. यदि आप इसे चाटते हैं तो आप मारे जाएंगे. कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होना है. इसी के मद्देनजर कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान कलबुर्गी में खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर यह बयान दिया. खड़गे के इस बयान का वीडियो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप बताया है, जो सोनिया गांधी के मौत का सौदागर से शुरू हुआ और हमें पता है उसका अंत कैसे होगा. कांग्रेस लगातार नए स्तर तक नीचे गिरती जा रही है. हताशा से पता चलता है कि कांग्रेस कर्नाटक में जमीन खो रही है. वहीं बीजेपी नेता और केंद्र मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष हैं. वह दुनिया को क्या बताना चाहते हैं, वो देश के पीएम हैं और पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है. पीएम के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना दिखता है कि कांग्रेस किस स्तर तक गिर गई है. हम चाहते हैं कि वह देश से माफी मांगे. अपने बयान पर सफाई देते हुए मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा, इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी से नहीं था. मेरा मतलब था कि बीजेपी के विचारधारा सांप की तरह है. मैंने पीएम मोदी के लिए व्यक्तिगत तौर पर या कभी नहीं कहा. मैंने कहा कि उनकी विचारधारा सांप की तरह है और अगर आप इसे छुएंगे तो आपकी मृत्यु निश्चित है. ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज.